हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ले चलती हूँ आपको लखनऊ में लगने वाले डालीगंज के इस मेले में, जो ये साल का आखिरी मेला है जो यहाँ पर लगा हुआ है। और ये इंट्रो में जितना भी आप सामान देख रहे हैं सब मैं इसमें कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। और जो चैनल पर नए हैं उसे चैनल को कर ले सब्सक्राइब इतनी प्यारी प्यारी वीडियो के लिए। तो गाइस, हम आ गए हैं मेले में और इस मेले में मैं जितनी भी चीजें घर में सामान जो यूज होता है, बर्तन और आपकी क्रॉकरी का सामान, जितना भी फर्नीचर का आइटम होता है या फिर बाउल वगैरह होते हैं, जो भी चीजें मैं इसमें कवर करने वाली हूँ, सबसे सस्ता सामान मैं इसमें दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो सारा जरूरत का सामान है जो मैं इसमें करने वाली हूँ। और यहाँ पे जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं इस स्टॉल पे, सारी आपको मिलने वाली है सिर्फ 30 रुपए में। और 30 रुपए में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आपको वहां पे जाना है, मेले को एक्सप्लोर करना है। और मैं सारी चीजें मोस्टली मैं लोकेट करती हूँ, और जिन्होंने अभी तक मेरी डालीगंज की पहले वीडियोस नहीं देखी है वो जल्द से जल्द जाएं और देख लें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो 30 रुपए में आपको मिल रहे हैं बहुत सारे इस तरह से गमले, बहुत सारे टब, बहुत सारी बास्केट्स, और इनके साइज बहुत काफी ज्यादा बड़े हैं। और इस तरह से बाल्टी वगैरह भी मिल रही है आपको। तो सारा डेली यूज का आपका सामान है जो आपको सिर्फ मिल रहा है 30 रुपए में। इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और इनकी क्वांटिटी भी बहुत है, और आपको कई वेरायटी में ये मिल जाएंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी थी और मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें कवर करी हैं जो घर में आप डेली में यूज करते हो, और इनके प्राइस आप सुनते जाना वीडियो में। भैया ये कितने का है? 250 रुपए भाई। और ये 100 रुपए का, ये 24 रुपए का। तो गाइस, मैं आ गई थी नेक्स्ट शॉप पे, और यहाँ पर जितना आप सामान देख रहे हो सारा आपको मिलने वाला है सिर्फ 100 रुपए में। तो इस तरह से बहुत सारा ये छनिया वगैरह आई हुई है, ये गेहूं वगैरह छाने में भी काम आती है कुछ इस तरह से, रैट जो होते हैं उनको पकड़ने के लिए। और इस तरह से सूप वगैरह, ये स्टील कह सकते हैं या इसे मैं बता नहीं पा रही हूँ, बट इसे कुछ कहते हैं, बट ये अच्छी क्वांटिटी में था। और उसके बाद ये सारी चीजें 100 की। अरे बच्चों की गाड़ी, कोई भी सामान 100 का है? 100 का। तो गाइज, इस तरह से किचन में यूज होने वाले आपके बहुत सारे जार हैं, और ये डिब्बे हैं बहुत सारे जो आप किचन में यूज करते हैं, ये आपको सेट मिल रहे थे सिर्फ 100-100 रुपए के। इस तरह से आप सब्जी रखने के लिए इस बास्केट को भी ले सकते हो, और ये बहुत ही ज्यादा बड़े साइज में थी और सिर्फ 100-100 रुपए में मिल रही थी। काफी अच्छी क्वांटिटी है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये आप इस मेले में जरूर जाएं, विजिट करें। और इस तरह की बॉटल थी, 2-2 लीटर में थी, ये आपको सिर्फ 100 रुपए में मिल रही है। और ये जितना भी आप वीडियो में क्लिप में सामान देख रहे हो सिर्फ 100 रुपए में मिल रहा है, तो मतलब बहुत ही सस्ता सामान आपको मिल रहा है इस मेले में। उसके बाद आ गई थी मैं इस तरह से यहाँ पे दस्तरखान वगैरह की, ये आप जो यूज करते हैं डेली घर में उसकी शॉप पे, इसके भी मैंने प्राइस भैया से पूछे थे। और ये अलग अलग रेंज थे, लेकिन इनकी बहुत ही अच्छी, मतलब क्वांटिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आपको एक बार जरूर यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा मेले में इन सब चीजों के लिए। भैया कितने के ही है? भैया ये कितने के हैं? 100 रुपए जितने बाहर लगे वो भी 100 रुपए के। सब 100 50 रुपए। इतनी देर चिल्ला दिए भैया। तो गाइज, यहाँ पर आपको बहुत तरह की बास्केट बहुत डिजाइन में जितनी भी आप देख रहे हो इस क्लिप में, आपको सिर्फ मिलने वाली है 50 रुपए में। और बहुत सारे यहाँ पर बर्तन वगैरह भी आपको मिल रहे हैं सिर्फ 50 रुपए, आप वीडियो में देख सकते हो बहुत सारे इसमें। यहाँ इधर आना है 50 रुपए क्या? तो गाइस, फिर मैं आ गई थी नेक्स्ट शॉप पे, और यहाँ पर भी आपको जितना भी सामान इस क्लिप में दिखेगा सब आपको मिल रहा है 50 रुपए में, जिसमें आपके बड़ी सीजर हैं, इस तरह से चम्मचों के सेट हैं, बहुत सारे किचन के जितने भी आइटम्स होते हैं, चाकू होता है, चम्मच होते हैं, कलछी होती है, आपके ग्लास हैं, और ये बहुत सारे कुछ चीज़ें जो हैं पूजा के आइटम में यूज़ होती हैं, जिसमें आप अगरबत्ती वगैरह जलाते हो, पूजा के लिए यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही थी सिर्फ 50 रुपए में। और आपको इसके लिए भी आपको विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबसे सस्ता सामान यहाँ पर कवर करने वाली हूँ सिर्फ 50 रुपए में। हर माल मैंने कवर करा हुआ है, इस तरह से आप बास्केट वगैरह देख रहे हो, तो मैंने जितना भी सामान यहाँ पर कवर किया हुआ है आप पहले की वीडियो में भी देख सकते हो, जो 5 रुपए से सामान शुरू हुआ है वो भी मैंने कवर करा, और ये 50 रुपए का भी है। इस तरह से बॉटल्स वगैरह मिल रही है, इस तरह से छनिया वगैरह आपको मिल रही है, जो आपको हर तरह से किचन में यूज होता है, जितना बर्तन मैंने सब यूज करा है, मतलब इस वीडियो में आपको दिखाया है। और आपको ये वीडियो मेरी पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा प्यारे प्यारे। और इससे पहले मैंने 8 से 9 वीडियो डाल रखी है तो उन्हें जरूर देखिएगा। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर पॉटरी शॉप पर, सब आपको 50 रुपए।
नहीं यहीं पे खा रहा इसमें से कोई भी ले 50 का है 50 का दे रहे ना हाँ जी भैया कितने का है कौन है यहाँ पे प्राइस इसका पचास के दो और ये भी 50 के दो हैं 60 ये 100 के ये 60 रुपए के छे 100 के छे ये 100 के छे हैं और बोलूं फिर से ना इतना बहुत है 60 के 30 के दो 30 के दो 30 के दो साठ के छे हैं हाँ अच्छे लग रहे हैं ना हाँ या मैडम टिश्यू पेपर रखने वाला स्टैंड है कितने का है 50 का है ये क्या है सेब है कितने की दे रहे पांच का एक है ये इनमें से चालीस का एक है बताओ भैया 200 रुपए छोटे वाले 20 का एक है और ये वाला और इसका 200 का है ये क्या है ये स्टैंड ये कप का पूरा है सेट ये कितने का होगा 200 रुपए का एक पीस 200 का एक पीस है ये हाँ ये कैंडल स्टैंड है कैंडल स्टैंड है बड़ी ऊपर लगेगी छोटी जब हो जाती है अंदर लगा दी तो रोशनी पूरी से कितने का है ये 40 रुपए का पॉट के स्टैंड है पॉट के स्टैंड कितने के होंगे 40 रुपए और ये उधर ये जो कप रुपए ये 10 रुपए की कटोरियां हैं ये पांच ये 10 के हैं और ये पांच के हैं नहीं पांच के नहीं ये सब 10 की कटोरी हैं 10 के पांच का क्या है 5 रुपए के ये कप रखते हैं ये पांच के ये कप हैं ये सारे पांच पांच के हैं 5 रुपए है ना ऊपर बैठ जाओ पचास की छः तो गाइस इनकी शॉप पर भी जितना भी सामान आपको दिख रहा है वो आपको सिर्फ 100-100 रुपए का मिलेगा इसमें आपके बहुत सारी ट्रेज हैं इस तरह से छन्ने हैं बड़े जिसमें आप चावल भी पसा सकते हैं इसमें डिनर सेट वगैरह भी रख सकते हैं इस तरह से इनके पास भैया के पास सेट थे तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 100 रुपए में मिल रही थी इसमें सब्जी कटर ये वगैरह जो आप ये होता है बोर्ड आपका ये आपको सिर्फ 100 रुपए में मिल रहा था तो जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं सिर्फ आपको 100 रुपए में दिख रही हैं इस शॉप पर जितनी भी शॉप पर भैया ने सामान रखा है सिर्फ 100 रुपए का ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
ये भी 100 का है भैया। कद्दूकस कैसे दे रहे हैं? ये कद्दू कैसा दे रहे? 100 के ना। ये कितने का है? यहाँ आओ। ये कितने का है? कितने का है? 100 रुपए का। ये 100 का है भाई। सिफर कितने के? 180 रुपए का। 180 का है। वे सेट कितने का है? ये वाला 650। और ये जो बना हुआ है क्या है? ये टंकी है, पानी की टंकी। कितने की है? 1650 की है। और ये ग्लास के सेट कितने के हैं? 11। हाँ, 550 के 6। बाउल कितने के हैं भैया? बाउल कितने के हैं? 400 के 6 हैं। इसका प्राइस बता भैया। 100 की है। ये कितने के हैं? ये कितने का है? 200 का लगेगा। लाल लागो चेक करके दो। चेक करने तो गाइस इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि सारे फूड स्टॉल चल रहे हैं, सारे झूले चल रहे हैं। और मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी, आपने अभी तक मेरी वीडियो पे जितनी भी मैंने डालीगंज मेले की वीडियो डाली है, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया है और मैंने इतनी सारी वीडियोज डाली है और सब कुछ इतना अच्छे से आपने करा है। मुझे कमेंट भी बहुत सारे प्यारे प्यारे करे और मैं जितनी बार भी मेला जा रही हूँ उतनी बार मुझे इतने प्यारे प्यारे मेरे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। आप सबका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरी हर वीडियो को देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, मुझे वीडियो में भी प्यार देते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, और मुझे ऐसे भी प्यार देते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो ऐसे ही मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिएगा, आगे भी मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। और मेरी वीडियोस को जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर हम आ गए थे यहाँ पर आपके पास फर्नीचर की शॉप पे। फर्नीचर की शॉप पे नहीं, यहाँ पर वुडन का जितना था वो आइटम थे। मेरा क्या प्राइस बताइए? आपसे प्राइस पूछे। 2500 रुपए। और ये वाले 1250। ये 2500। और ये वास का क्या है? अच्छा, इसका बता दीजिए। 7500 का। भैया कितने की है? 50 ही कोई नहीं है ना। तो गाइस हम इस स्टॉल पर आए थे और यहाँ पर चूड़ियों का कलेक्शन तो बहुत ही प्यारा था। मतलब इसमें आपको बहुत तरह की बैंगल्स मिल जाएंगी, सेट मिल जाएंगे, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी मिल जाएगी, मतलब जो आप बैंगल्स वगैरह पहनते हो, कड़े भी हैं। तो इसमें मैंने आपको एक सारे तो मैं क्लिप में ही दिखा सकती हूँ, मैंने पूरा एक व्यू आपको देने के लिए दिखा दिया है। इस तरह से आपको जितने भी आप देख रहे हो सिर्फ आपको 50 रुपए में मिलने वाले हैं। तो ये आपको जाना है जहाँ पर फर्नीचर का शॉप लगती है, बहुत सारे फर्नीचर हैं। उससे पहले जब आप जाते हो फूड जहाँ पे लगे हुए हैं, जहाँ पर हलवा पराठा मिलता है, उसी के जस्ट लेफ्ट साइड में आपको ये दिख जाएगा। और इस तरह से भैया थे, इनके जस्ट बगल में 100 रुपए के सारा सामान दे रहे थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े प्लेट रहे थे जिसमें आप किसी को भी सर्व कर सकते हो खाना यहाँ पे रख के। जब आपके यहाँ कोई भी गेस्ट आते हैं तो इस तरह से थाल वगैरह की जरूरत पड़ जाती है किसी भी फंक्शन में, तो ये आपको सिर्फ 100 रुपए में मिल रहे थे यहाँ पर। और इसके साथ बाउल भी थे। उसके बाद हम आ गए थे गाइज यहाँ पर फर्नीचर की शॉप। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको मेंशन करा है, बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि मैं आपको वुडन का जितना आइटम है वो दिखाऊं, फर्नीचर जो आया दिखाऊं। तो मैंने यहाँ पे दिखाया, मुझे कुछ न्यू आइटम नजर आ रहे थे, कुछ नए तरह के सोफे काउच के साथ नजर आ रहे थे। मैंने भैया से यहाँ पे इन सब के रेट पूछे हैं, तो आप रेट वीडियो में गौर से सुन लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी हो रही थी, भैया ने बोला था जो प्राइस है उसमें कुछ वो लेस भी कर देंगे। तो प्राइस जो मैं भैया से पूछ के आपको बताऊंगी जरूर से सुन लीजिए, क्योंकि नया कलेक्शन आया हुआ है, मिलेंगे। भैया इन सोफे की क्या प्राइस है? ये 30। ये काउच के साथ है 30,000। और रेड वाला भी? बाकी सब 30 के, वो 35 और ये 30। काउच के साथ है ना? खाली काउच कितने का है?
खाली काउच कितने का है? 10,000 रुपए। 10 का है। और ये वाला सब सेम रेट है, सब सेम है। 12,000 रुपए का एक मतलब ये चलने वाला, वो भी 12,000 रुपए का है। ठीक। ए भैया कैसे तेरे करोगे? 100 रुपए। 100 रुपए चार। भाई साहब लो 100। तो गाइस फिर हम आ गए थे एक कड़े की शॉप पे, इसे चूड़ी भी कह सकते हैं आप। चूड़ी कड़े बहुत सारे वैरायटी में थे, तो मैंने कुछ आपको थोड़ा सा क्लोज व्यू दिया है। तो ये आपको सिर्फ 100 रुपए मिलने वाले थे, 100 में सिर्फ 4 मिल रहे थे, लेकिन बहुत सारा इसमें कलेक्शन था। मतलब हर कलर मिलने वाला था और हर तरह की डिज़ाइन थी जो मैंने आपको कुछ दिखाई है। इसमें कुछ मैंने क्लोज व्यू लिया है, अगर आपको ये पसंद आया तो जल्द से जल्द मेला चाहिए, क्योंकि साल का ये लगने वाला आखिरी मेला है लखनऊ में। और कुछ यहाँ पर रिंग के कलेक्शन थे, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा क्लोज व्यू लिया है, आप देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो यहाँ पे जरूर जाइएगा। हमने एक ले लिया, हो गया। तो गाइस इस क्लिप में आप जितनी भी रिंग देख रहे हैं सिर्फ आपको 50 रुपये में मिलने वाली हैं। इसमें बहुत सारी बिग जो आपकी रिंग होती हैं जो लोग पहनना पसंद करते हैं, वो इस तरह से कलेक्शन बहुत सारा आया हुआ है। कुछ छोटी रिंग्स भी थी, बड़ी भी थी, और हर तरह की डिज़ाइन थी इसमें। तो मतलब आपको अगर मोती में चाहिए, पर्ल में चाहिए, ऑक्सीडाइज चाहिए, तो हर तरह की रिंग इसमें थी। तो मैंने आपको कुछ दिखा दिए वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो आप यहाँ से ज़रूर लीजिएगा, सिर्फ 50 रुपये में मिलने वाली हैं आपको। उसके बाद मैंने कुछ जैकेट्स वगैरह देखी थी, आपको 250-300 रुपये में मिल रही थी जहाँ पे मिला स्टार्टिंग में जब आप एंट्री करते हो, से थोड़ा सा आगे जाके 250-300 से स्टार्ट है। अगर आपको जैकेट के और प्राइस जानने हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में डाल रखा है। तो जितनी चीजें मैं कवर करती हूँ उसके अलावा ये सारी चीजें मैं पहले भी कवर कर चुकी हूँ, बट डिजाइन और कलेक्शन चेंज होता है। तो वीडियो मैं डेली बनाती हूँ, लेकिन इसमें क्या होता है, कलेक्शन आपको चेंज मिलता है, डिजाइन चेंज मिलती है, और ये सारी चीजें आपको हर ब्लॉग में मेरे अलग अलग नजर आएंगी। तो उसके बाद आप ये देख रहे थे सारी चीजें आपको 150-150 की मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए थे रिंग लाइट वगैरह की शॉप पर, इस पर भी हमने यहाँ का प्राइस पूछा हुआ था। और रिंग लाइट वगैरह कितने की है? 650। भैया कितने कितने के हैं? हाँ ये सारे 40 रुपए के हैं, नीचे का कोई भी लेते हैं। तो गाइस जब हम मेले से बाहर निकले तो एक ही शॉप पे अंकल भैया हैं, अंकल हैं, ये यहाँ पर ठेला लगाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज वगैरह वो देते हैं। उन्होंने कुछ के मुझे प्राइस बता दिए थे कि नीचे के जितने भी स्मॉल हैं वो 40-40 के मिल रहे हैं। तो मैं हमेशा जब भी मेला आती हूँ मैं उन्हें देखती हूँ, तो मैंने सोचा आज उनकी वीडियो भी मैं यहाँ पर डाल दूँ। अगर आप लोगों को लेने हैं इस तरह के स्टैचू तो इनकी शॉप पर जरूर जाइएगा। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया करे, इसे लाइक किया करिए, शेयर करा करिए, कमेंट किया करिए प्यारे प्यारे। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।